उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आज शाम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष कवड़वाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जाने को लेकर तहरीर सौंपी है। संतोष कवड़वाल ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी महिला कार्यकर्ता को जंगल में ले जाकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। वहीं धमौला में दवाई फैक्ट्री के सामने बिजली योजना में लगे वाहन स्विफ्ट डिजायर, जिसके चारों टायर की हवा अराजक तत्वों की तरफ से निकाली गई, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जाने को लेकर तहरीर सौंपी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर कालाढूंगी में ये तहरीर सौंपी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तहरीर सौंपी, उससे पहले थाने पहुंचते वक्त ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और वो थाने पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर सौंपी और कहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया है। वहीं रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी के नवयुवक मंगल दल जसोली की ओर से हरियाली खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने विधायक भरत सिंह चौधरी पहुंचे, लेकिन इस दौरान ग्वाड़ के ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल पूर्व प्रधान रतन सिंह के नेतृत्व में जीआईसी चमकोट सड़क निर्माण को लेकर विधायक के पास पहुंचा। अचानक से पूर्व प्रधान और विधायक के बीच गहमा गहमी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि विधायक ने पूर्व प्रधान को जेल में डालने तक की धमकी दे डाली, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि इस सड़क का निर्माण कभी नहीं होगा और वो इस सड़क का निर्माण होने भी नहीं देंगे, जिसके बाद विधायक वहां से चले गए। इसके बाद ग्रामीणों ने महोत्सव में लगे विधायक के पोस्टर फाड़ डाले और विधायक के वाहन को भी रोकने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं घटना के बाद से विपक्ष मामले में चुटकी ले रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने कहा कि विधायक को जनता ने चुना है और उन्हें जनता पर पावर नहीं दिखानी चाहिए। अगर जनता ने किसी भी तरह की गलती की थी तो इस पर संयम बरतते हुए बात की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ अभद्रता कर अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल भी किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गुस्साए लोगों ने विधायक के पोस्टर फाड़ दिए। ग्रामीणों की विधायक के साथ नोकझोंक के बाद यह पूरी घटना हुई। वहीं अगली खबर उधम सिंह नगर से है। दिल्ली से सितारगंज पहुंचे ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने सितारगंज के एक निजी होटल में पहुंचकर प्रेस वार्ता की, जिसमें बोलते हुए तरविंदर सिंह मारवाहा ने कहा कि आज किसान परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार किसान पर जबरदस्ती तीनों काले कानून लाद रही है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसानों की महापंचायत में किसान और मजदूर भारी संख्या में पहुंचकर केंद्र सरकार के इरादों को परास्त करेंगे और सरकार की करनी और कथनी के फर्क की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमेशा ही इस दिन से तीनों कानूनों की बात आई, आंदोलन शुरू हुआ। एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा किसानों का समर्थन किया, मजदूरों का समर्थन किया। आज जो कल 1 से 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो रैली होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है, उसके लिए भी हम उत्तम नगर के सभी डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया, चाहे वो रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, जैतपुर हो, बाजपुर हो, फतिमा हो, तारगंज को आज आपके बीच में कई गांव में घूम के आया। आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान गणेश जोशी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सबका ध्यान मंत्री जी पर चला गया।
दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि पूर्व में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वहीं इसके बाद जैसे ही गणेश जोशी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी तो आने वाले 15 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं, आज नहीं तो कल पूर्व होना ही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता बैठे, जिसके बाद उन्होंने भूल सुधार की और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसके बाद कहा कि आज नहीं तो कल उनको पूर्व होना ही है। बहरहाल आने वाले 15 साल के लिए तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री हैं। तो जवान फिसली यहां पर कैबिनेट मंत्री की, जिसके बाद उन्होंने भूल में सुधार किया। तो आपको बता दें कि मसूरी पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जहां पर वो संबोधन दे रहे थे। इसी संबोधन के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री कह दिया, जिसके बाद सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया, जिसके बाद अपनी गलती का एहसास होने पर कैबिनेट मंत्री ने भूल को सुधारते हुए कहा कि 15 सालों तक तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल, आने वाले कल में वो कभी ना कभी पूर्व होंगे ही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता बैठे यहां पर कैबिनेट मंत्री। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मसूरी में जनता को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया पुष्कर सिंह धामी को, जिसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ कि उनकी जवान फिसल गई और गलती में वो मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बता बैठे, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती का सुधार करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम के आगे पूर्व लगना ही है। बहरहाल वह 15 साल के लिए तो मुख्यमंत्री रहने ही वाले हैं। अगली खबर सितारगंज से है। सितारगंज में प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनाने के संबंध में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। वहीं उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया कि सितारगंज क्षेत्र के सभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए सितारगंज के बाहर हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर आदि जगहों पर जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसे का नुकसान होता है, और अगर परीक्षार्थी महिला है तो उसके साथ उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी उसके साथ जाना पड़ता है, जिससे उनके पूरे दिन का नुकसान होता है। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि सितारगंज को भी प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनाया जाए, जिससे कि सितारगंज क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो फकीर सिंह कन्याल ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि सितारगंज में प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र न होने के चलते छात्रों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, उनको बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में जो महिला प्रतियोगी परीक्षाएं देती हैं, उनको बाहर जाने के साथ ही उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य को भी बाहर जाना पड़ता है, जिससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर छात्रों ने भी उनके साथ प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फकीर सिंह कन्याल ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और उस वक्त इनके साथ वहां पर छात्राएं भी मौजूद दिखीं। तो जमकर प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि सितारगंज में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेंटर बनाया जाए, ताकि छात्रों को बाहर ना जाना पड़े। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो मेरे बच्चे यहाँ पर सितारगंज में प्रतियोगी परीक्षा का जो है तैयारी कर रहे हैं, उनका सेंटर सितारगंज में होना चाहिए, ऑनलाइन पेपर होना है, तो उसके लिए हम यहाँ से काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और देहरादून निकल जाएं। अगर देहरादून कोई लड़की जाती है, उसके पिताजी को छुट्टी लेनी पड़ती है, अगर उसका भाई जाएगा तो दुकान का खर्चा या अपनी नौकरी का खर्चा करना पड़ता है। एक बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए 3 दिन खराब करने पड़ते हैं, और 3 दिन के अंदर उसका यहाँ से रहना, आना जाना, खाने का खर्चा होता है, उसको कोई आदमी वहन कर सकता है, कोई वहन नहीं कर सकता है। जिसके पास संसाधन है वो आदमी लग्जरी कार और लग्जरी बस में जा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसकी काबिलियत, उसका जो हुनर है, यही दब जाएगा, यही छुप जाएगा। मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री से, ऐसा एक यहाँ पर हमारे वहाँ भी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसका केंद्र सितारगंज में बनना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर ऊर्जा निगम सुर्खियों में आ गया है। विभाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऊर्जा निदेशक साहब मुझे मारो, मेरा वीडियो बनाओ कहकर कर्मचारियों के बीच आते दिखाई दिए।
बताया जा रहा है कि मामला पिटकुल के निदेशक मानव संसाधन पीसी ध्यानी से जुड़ा है। कर्मचारी वादा निभाओ अभियान के तहत ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, इस दौरान ये घटना घटी। वहीं इस वीडियो से जहां ऊर्जा निगम में हड़कंप मच गया है, वहीं इसे देखकर ऊर्जा कर्मचारी ही नहीं बल्कि निगम के MD दीपक रावत भी हैरान रह गए। तो हंगामा करते ऊर्जा कर्मचारी नजर आए। देहरादून का ये पूरा मामला जहां ये वीडियो बनाया गया, इस वीडियो में मुझे मारो जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया और ये वीडियो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से ऊर्जा निगम सुर्खियों में है। अब विभाग का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऊर्जा निदेशक साहब मुझे मारो मेरा वीडियो बनाओ कहकर कर्मचारियों के बीच आते दिखाई दिए। तो ये वीडियो देहरादून से, ऊर्जा निगम अब एक बार फिर सुर्खियों में क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर निदेशक साहब मुझे मारो मेरा वीडियो बनाओ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब वायरल हो चुका है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। कर्मचारी वादा निभाओ अभियान के तहत ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे कई लोग, इस दौरान ये पूरी घटना घटी। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऊर्जा निगम में हड़कंप का माहौल है। इसे देखकर ऊर्जा कर्मचारी भी हैरान है, बल्कि निगम के MD दीपक रावत भी इसको लेकर खासी चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। देहरादून का ये पूरा मामला है जहां पर हंगामा करते ऊर्जा कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये वीडियो किसी ने बना लिया और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। तो ऊर्जा निगम देहरादून का एक बार फिर से सुर्खियों में है जहां वीडियो वायरल हुआ है। हंगामा करते ऊर्जा निगम कर्मचारियों के बीच निदेशक पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे मारो मेरा वीडियो बनाओ, और ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके बाद ऊर्जा निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। पौड़ी में बड़ी निविदाओं को छोटी करने की मांग को लेकर ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग से लेकर SDM कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए जुलूस भी निकाला गया। ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक विभाग बड़ी निविदाओं के स्थान पर छोटी निविदाओं को स्थान नहीं देता है तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आगे कहा गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के ठेकेदारों के लिए बड़ी निविदाएं निकालकर विभाग छोटे ठेकेदारों के रोजगार को खत्म कर रही है। इस दौरान ठेकेदारों ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया है। ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों का यह पूरा धरना प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ऋषिकेश के बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते मलबा आने के कारण बंद पड़ा था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। यह राहत भरी खबर है कि अब वाहनों को रूट डायवर्ट करके अपनी मंजिल तक नहीं जाना पड़ेगा, वाहन चालकों का समय और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर टिहरी DM ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहनों को इस रूट पर आवागमन करने की अनुमति दी है। शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहन का आवागमन इस रूट पर प्रतिबंधित रहेगा। डेंजर जोन पर पुलिसकर्मी भी बखूबी अपनी ड्यूटी करते दिखेंगे। तो कड़ी मशक्कत के बाद ये बद्रीनाथ हाईवे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि खुल गया है, लेकिन 5 बजे के बाद आवागमन यहां पर बंद रखा गया है। आवागमन 5 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही डेंजर जोन जो वहां है वहां पर पुलिसकर्मी भी बखूबी अपनी ड्यूटी करते हुए दिखेंगे। तो कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर ये जो रूट है बद्रीनाथ का इसको खोल दिया गया है, बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन 5 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जो डेंजर जोन्स हैं वहां पर पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई देंगे। ये जो रोड बंद थी बारिश के कारण काफी बड़ा पहाड़ आया था और इस पे काफी दिन लग गए थे रोड खोलने में। इस पे जो DM महोदय का आदेश था कि जो इसमें वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, और आज रोड कुछ इन्होंने खोल दी गई है और इस पे ऊपर से जिलाधिकारी महोदय का आदेश आ गया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहन चलेंगे। और इमरजेंसी में जो है इनके यहाँ पे या मशीन खड़ी रहेगी ताकि कोई भी पत्थर या स्लाइडिंग आने पर उसको तुरंत हटाया जा सके, और रात में वाहन प्रतिबंधित।
वहीं उत्तरकाशी में राज्य आंदोलनकारी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खटीमा और मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में हर्बल गार्डन में पौधारोपित किया। जिलाधिकारी ने अनार का पौधारोपित किया, वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने कई प्रजाति की पौधे हर्बल गार्डन में रोपित किए। उसके बाद शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य निर्माण को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थीं। वहीं हर्बल गार्डन में पौधारोपण के दौरान एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी, अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह पोखरियाल समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद दिखे। तो हर्बल गार्डन में ये पौधे रोपित किए गए, जहां आंदोलनकारियों को जो शहीद हुए थे उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये पौधारोपण किया गया, जहां पर एसडीएम समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच यहां हर्बल गार्डन में पौधारोपित करने के साथ ही जो शहीद आंदोलनकारी थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी, अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह पोखरियाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट ली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि लगातार बारिश के चलते फिर से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से बारिश का जो कहर है वो उत्तराखंड में बढ़ता ही जा रहा है। मौसम ने जब से करवट बदली है तब से लगातार बारिश के बीच भूस्खलन की जो समस्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें, जहां पर भूस्खलन की जो समस्या है एक बार फिर बढ़ती दिख रही है और मौसम के करवट बदलने के साथ ही यहाँ भूस्खलन जो है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में एक डर भी यहां पर पनपता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में, हालांकि पूरे उत्तराखंड में ही बारिश का जो प्रकोप है वो शुरू हो चुका है, पूरा उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिसके चलते ही लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की जो समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें, जहां पर भूस्खलन की जो समस्या है वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम ने जैसे ही अपना रूप बदला है, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से उत्तराखंड के तमाम इलाकों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये उत्तरकाशी से तस्वीरें, जहां पर लगातार भूस्खलन जो है वो जारी है, क्योंकि बारिश जो है वो अपने पूरे खुमार पर है। तो ये सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां पर मौसम बदलने के साथ ही जैसे ही बारिश का मौसम आया है तभी से ये भूस्खलन की जो समस्या है वो उत्तरकाशी में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल बारिश के मौसम में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, चाहे कोई भी जिला हो वहाँ पर उत्तराखंड में जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से मसूरी समेत तमाम इलाकों में, तमाम पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ पर भूस्खलन की जो समस्या है वो एक बार फिर नजर आई। तो ऐसे में ये उत्तरकाशी की तस्वीरें, जहां पर एक बार फिर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। मौसम के करवट बदलते ही, बारिश के तेज होते ही भूस्खलन की जो समस्या है वो हर साल एक बार फिर निकल कर सामने आ जाती है। तो ऐसे में ये उत्तरकाशी का पूरा मामला, जहां पर मौसम का रुख बदलते ही भूस्खलन एक बार फिर शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में मोरी विकास खंड के जखोल गांव में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कई विभागों की तरफ से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। पेंशन प्रकरणों के साथ ही किसान, बागवान और पशुपालकों को भी लाभान्वित किया गया। शिविर में 31 वृद्धा पेंशन फॉर्म वितरित किए जाने के साथ ही 18 आवेदन पत्र भी मिले। वहीं किसान पेंशन के 40 आवेदन पत्र वितरित किए गए और 14 आवेदन मिले। शिविर में पूर्ति विभाग की तरफ से 35 राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए। पशुपालन विभाग की तरफ से 56 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा 198 पशुओं का उपचार भी किया गया। तो सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तरकाशी का ये पूरा मामला, जहां जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में 56 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। तो उत्तरकाशी में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर
विभाग की तरफ से 35 राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए। पशुपालन विभाग की तरफ से 56 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया और इसके साथ ही 198 पशुओं का उपचार भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। इसके साथ ही 56 पशुपालकों को लाभान्वित भी किया गया। जन कल्याण शिविर का जो आयोजन है वो उत्तरकाशी में किया गया था जहां पर कई लोगों को इस कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित किया गया। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली के कृषि फार्म कोटमल्ला में कृषि विभाग की ओर से औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कृषि क्षेत्र में काश्तकारों के बढ़ते रुझान की सराहना की गई, साथ ही क्षेत्र के उन्नतशील कृषकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान डीएम मनोज गोयल ने औषधीय पेड़ रोजमेरी का रोपण करते हुए अन्य काश्तकारों को भी प्रेरणा दी। बता दें कि रानीगढ़ पट्टी के कोटमल्ला गांव में 1 हेक्टेयर भूमि पर 10,97,000 रुपए की लागत से कृषि विभाग और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से औषधीय पौधों का रोपण योजना की शुरुआत जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोटमल्ला गांव पहुंचकर की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।